अब हमने करंट के इफेक्ट्स को स्टडी करना है, ठीक है। करंट के बेसिकली तीन इफेक्ट्स हैं, एक है हीटिंग इफेक्ट, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक है आपके पास केमिकल इफेक्ट। तो इसमें पहले हमने डिस्कस करना है हीटिंग इफेक्ट को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। जैसे कि एक तो मैं बड़ा आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, लेट्स कंसीडर ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, दिस इज अ मेटालिक वायर। इस मेटालिक वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, इस मेटालिक वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। अगर मैं इस मेटालिक वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करना चाहता हूं, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन जब इस मेटालिक वायर के अंदर आएंगे तो इस वायर के अंदर अपने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनके एटम्स या यहां पे जो मौजूद आपके पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, इनके साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद यहां पे ये जो वायर है ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो यहां पे जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। जब भी कोई चार्जेस किसी वायर में पास होते हैं, ठीक है, जब भी कोई चार्जेस किसी वायर में पास होते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस वायर के अंदर जो एटम्स है जिसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ कोलाइड होते हैं, फिर कोलिजन के बाद उनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो हीट में कन्वर्ट होती है। बहुत सारे मैं आप लोगों को ऐसे डिवाइसेस बता सकता हूं जिसमें आपके पास हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर जो है वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट में। हीटर है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा आप गाड़ियों के अंदर जो आपके पास जो गर्म एसी जिसको हम बोलते हैं, जो वहां पे भी जो आपको हवा आती है गर्म हवा, जो वो भी बेसिकली क्या है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट के बाद आपके पास है केमिकल इफेक्ट ऑफ, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट। आप लोगों ने, अगर आप लोगों में से कोई भी किसी नई बैटरी, बैटरी शॉप से आप जब खरीद लेते हो, नई जो बैटरी होती है जो 12 वोल्ट की होती है या 6 वोल्ट की, वो आपको कहता है कि आप थोड़ा वेट करें, मैं 10 से 20 मिनट में इस बैटरी को चार्ज करता हूं। क्या करता हूं, चार्ज करता हूं। जब आप एक नई बैटरी लेते हैं तो उस बैटरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इस बैटरी के अंदर लेट सपोज HCl है, क्या है, HCl एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। वो क्या करता है कि बाहर से दो वायर्स जो है वो उसके साथ क्या कर लेता है, कनेक्ट। एक आपके पास पॉजिटिव होता है, एक आपके पास नेगेटिव होता है। जैसे ही ये दो वायर्स वो इन इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर लेता है तो इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है जिसमें ये जो HCl कंपाउंड है, ये कंपाउंड वो क्या करता है, ब्रेक करता है। इसमें जब इसको ब्रेक कर लेता है ये कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ये जो आपके पास Cl नेगेटिव है ये सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं और पॉजिटिव सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं। यहाँ पे बेसिकली डिसोसिएशन होती है, कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट होता है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। और यहाँ पे जो केमिकल्स है, बेसिकली केमिकल्स के अंदर जो कंपाउंड्स है इनकी ब्रेक डाउन होती है और ये जो फिर केमिकल एनर्जी है ये फिर किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो है चीजें हैं, डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपके पास केमिकल्स होते हैं, फिर उन केमिकल्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनको एक इलेक्ट्रोड के ऊपर स्टोर करते हैं, दूसरे के ऊपर स्टोर करते हैं, फिर वो जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद वाला जो इफेक्ट है, दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट बड़ा सिंपल है। जब भी आपके पास एक कंडक्टर के अंदर वायर, कंडक्टिंग वायर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हर एक चार्ज जो है ड्यूरिंग द मोशन वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इस इफेक्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कंसीडर कर ले कि आपके पास एक मेटालिक वायर है, इस मेटालिक वायर के अंदर, इस मेटालिक वायर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह मूवमेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इर्द-गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, इस वायर के इर्द-गिर्द मैग्नेटिक फील्ड। ये उसका नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ। इसी इफेक्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके चलने का